जिंदगी के सितारे जो हैं यूं ही बुलंदियों पर नहीं पहुंचते, उनके पीछे मेहनत का कारवा होता है, सोच होती है। और देखिए, आज मैं आया हूं फैक्ट्री विजिट में मनीष मित्तल जी के साथ। तो सबसे पहले तो मनीष मित्तल जी का स्वागत कर ले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। भी बहुत बहुत स्वागत है सर जी, और धन्यवाद सर जी जो हमारे यहाँ समय देने के लिए थोड़ा सा आप कष्ट किए हैं। और हमेशा हमारे लिए खड़ा रहते हैं और लोगों को नए नए चीज़ों को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो एक युवा उद्यमी है, इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उनसे मिलाते हैं सर जी। बिल्कुल, और इसीलिए सर आपके साथ फैक्ट्री विजिट करता हूँ कि नए नए बिजनेसेस को, उनकी कार्यशैली को, उनकी पद्धति को कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, उसे स्टार्टअप को कवर करने की कोशिश करते हैं और उनकी कहानी आप तक लाते हैं, ताकि आप में भी वो ऊर्जा आ सके, आप में भी वो जुनून आ सके ज़िंदगी में कुछ करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो बहरहाल हमारे अतिथि का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू। और ये जो है यहाँ पर सर का पेपर प्लेट फैक्ट्री है और पेपर कप की फैक्ट्री है बनाने की। सर, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज़ आलोक केसरी। अच्छा, कब से यहाँ पर शुरुआत हुई सर, कैसे कैसे शुरुआत की इस इंडस्ट्री की? फर्स्टली आई स्टार्टेड दिस कंपनी विथ वन मशीन। अच्छा, देन नेक्स्ट आई कैन परचेज ऑल द मशीन फ्रॉम मित्तल उद्योग। जी, वन बाई वन आई सर्वे द मार्केट एंड टेकिंग द ऑर्डर, आई थिंक दैट आई कैन परचेज और मोर मशीन। तो स्लोली स्लोली आई कैन परचेज 1, 2, 3 मशीन, देन आई परचेज ऑल्सो एंड सेकेंड मशीन देयर। जी, हमारे साथ हिंदी भाषी लोग बहुत जुड़े हुए हैं, आप हिंदी जानते हैं? आई नो। तो हिंदी में अगर बात करेंगे तो लोग समझ पाएंगे आपकी बातों को। ओके, ठीक है ना। यानी कि आपने पेपर कप बिजनेस से शुरुआत किया था? हाँ, एक मशीन से शुरुआत। हाँ, पहले एक मशीन मैंने खरीदा। जी, फिर मैंने पेपर प्लेट का मशीन खरीदा। जी, तो पहले मैंने एक खरीदा, फिर दो खरीदा, फिर तीन खरीदा, फिर चार। मेरे पास चार पेपर प्लेट का मशीन है, सारा मशीन मेरा मित्तल उद्योग से ही है। चलिए, फिर मैंने क्रैम्प का मशीन लिया, वो भी चार है, सारा मित्तल उद्योग से है। पहले मैंने एक लिया, फिर दो लिया, फिर दो और लिया प्रोडक्शन के हिसाब से। मतलब बिजनेस बढ़ाते गए? हाँ, बढ़ाते गए। अभी और लेने का सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा देख रहे हैं, मार्केट सर्वे कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऑर्डर है, इसी के हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो मित्तल जी, एक उद्यमी आपने पैदा कर दिया, कैसा महसूस होता है? युवा उद्यमी है और एजुकेटेड पर्सन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं तो नहीं, इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं, MBA स्टूडेंट हैं और MBA कर रहे हैं सर? हाँ, अभी MBA कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है। तो जी, एजुकेटेड पर्सन है और इस चीज़ को काम को कर रहे हैं, और एक से शुरुआत किए थे, आज इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा चुके हैं, देखते हैं, संभालते हैं। मतलब अर्न वाइल यू लर्न, पढ़ाई के साथ कमाई। इस देश में छात्रों की बदहाली का कारण यही होता है कि वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जिस युवा से आपको मिला रहा हूँ, पढ़ाई के साथ कमाई का साक्षात उदाहरण जो है, MBA कर रहे हैं, साथ में उद्योग लगा करके आज अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। सर, ये थोड़ी देर के लिए अगर बंद हो सकती है क्या? हाँ, सर बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉइज़ बहुत आ रही होगी, चूँकि आवाज़ कर रही है। और इसमें जो देखिए बन रही है, ये चाय इसमें पीते हैं, चाय वाली कप है। ये कितने ml की है? 50 ml का है। 50 ml की है। हर स्टॉल पे, हर जहाँ पे चाय की दुकान है वहाँ पर ये पॉपुलर हो गया है। कारण ये भी है कि प्लास्टिक बैन है, और पहले जो है हम लोग प्लास्टिक के ग्लास में पीते थे, लेकिन अब वहाँ पर पेपर ग्लास आ गया है। सर, ये मशीन कितने में लिया था सर से? मैंने अप्रोक्स 750 में लिया था। 7.5 लाख पड़ गया। दो साल पहले। अब तो रेट कम हो गया इसका। जी, तो इस बिजनेस का आइडिया, क्योंकि आप तो स्टूडेंट में थे, कैसे प्रेरणा मिली? पापा ने पहले आइडिया दिया। अच्छा। तो पापा ने इसको मतलब सेटअप करवाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं इसमें इंटर हुआ, फिर धीरे धीरे नॉलेज मिला पापा से, सब कुछ मनीष अंकल के सब सपोर्ट किए हैं। अच्छा। पापा ने बताया कहाँ कहाँ कैसे करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब हैंडल किया मैंने। अच्छा। और ऐसा नहीं लगा कि कहीं मैंने बोझ तो नहीं ले लिया पढ़ाई के साथ, ये कहीं मन में ख्याल ऐसा तो नहीं आया कभी? जॉब करिए या बिजनेस कीजिए, आपको ये करना, मेहनत करना ही पड़ेगा। बिजनेस सेटिस्फेक्शन है इसमें? हाँ है, मुझे शुरू से मतलब मैंने मतलब बचपन से ही शौक था कि मैं बिजनेस करना है। अरे वाह, क्या बात। मैं कि फिर जॉब भी करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जॉब करूँगा, लेकिन इसलिए मैं MBA भी कर रहा हूँ। अगर मुझे जॉब लगा तो मैं जॉब भी करूँगा, मैं बिजनेस चलते रहेगा, इसमें कोई मेरा रहना इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब कि मैं सारा को हैंडल कर सकता हूँ ऊपर से भी। जी, इसीलिए मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ कि मैं जॉब भी कर सकूँ। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आज के डेट में ये कितनी उत्पादन होती है इस मशीन से? अप्रॉक्स 1 घंटे में इसमें 4000 पीस बनता है। 1 घंटे में 4000 पीस बना लेते हैं 50 ml वाली का? अच्छा, वाह बहुत बढ़िया। जो बनाते हैं आप, उसकी रॉ मटेरियल्स जो है इस तरह की होती है? हाँ, तो ब्लैंक पेपर कहते हैं, ये वाली ब्लैंक पेपर होती है, और एक रॉ मटेरियल वहाँ पे लगी हुई है जो नीचे रखता है, उसको बॉटम बोलते हैं। बस यही दोनों का यूज होता है। हाँ,
क्या बोलते हैं सर, वो रोल हो गया या बॉटम हो गया? बटा, ये वो बटम हो गया, ये बॉटम हो गया, ये ब्लैंक पेपर हो गया, ये ब्लैंक पेपर हो गया। बहुत दिन हो गया पेपर कप की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा सर, यहाँ पर बता दें कि ये चीज़ भिगा के कुछ तोप के आप रखे हुए हैं, ये वाली चीज़, ऐसा क्यों? पेपर फूलता है, जो पेपर है, जो कप है वो सही बनेगा, फटेगा नहीं। इसको भिगा के रखा जाता है क्या सर? अच्छा, सारा पूछा रखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। और देखिए, यहाँ पर अभी प्रोडक्शन चल रहा था, चूँकि आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया है। और 4000 पीस एक घंटे में, तो सोचिए कितनी घंटे मशीनें चलाते हैं। 20 आवर, 20 घंटा, दो शिफ्ट मशीन, माय गॉड, लगातार। हाँ लगातार, दो शिफ्ट में स्टाफ आते हैं अपना वर्क। तो ये मशीन एकदम साथ देती है सर, दो साल से? दो शिफ्ट अगर नहीं चलाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, नहीं किसी को आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाइएगा सर। तो भैया 4000 × 20 मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब आते हैं थोड़ा सा सर से पूछते हैं, सर ये कहाँ कहाँ आपके इसके मार्केट कहाँ कहाँ है? अभी तो मैं बस बिहार में ही सप्लाई कर रहा हूँ, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर। की होलसेल में जाती है? ऑल होलसेल में, कोई नहीं, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा, जहानाबाद, मसौढ़ी, ये सब। तो बेचने का जो सिस्टम है, हाँ, वो कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि जो आपका उत्पादन है उस पर कैसे आपको मुनाफा होता है? पहले तो आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है आपका, क्या ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग आप पैकिंग करवाना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट साइज का पैकिंग होता है, कोई 48 काउंटिंग लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 50 लेता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, आपको क्वालिटी देना पड़ेगा अपना, उसके बाद आप ऑर्डर लीजिए और बना के भेजिए। जैसे कि मार्केट में जो बेचने की प्रक्रिया है वो पेटी से जाती होगी ना, वो थोड़ा सा संख्या बताएं सब कुछ। जैसे कि ये आप एक लाइव मतलब यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे यहाँ से माल जाता है, कई कार्टून में कितने पीसेस भेजते हैं? एक कार्टून में कस्टमर के अकॉर्डिंग पैकिंग होता है। अच्छा। कोई 5000 पीस पैकिंग करवाता है, कोई 6000 करवाता है, कोई 4000 करवाता है, उसके अकॉर्डिंग जाता है। अच्छा अच्छा, तो क्या बचत होती है इस पर, जो बचत का मैकेनिज्म है वो कैसे, उसका फंडा कैसे निकालते हैं? अप्रॉक्स मतलब एक पेटी पे 15% बच जाता है। 15%? हाँ। एक पेटी में सर कितना होता है? देखिए एक्चुअली होता है कि 4000 का पीस, 6000 का भी होता है पेटी बनता है, उस हिसाब से आपको 15% का मार्जिन। 15% का मार्जिन, हाँ जी, क्या बात है। ऐसे एक कप सर ऐसे कितने की पड़ती होगी? सर रेट हमेशा चेंज होते रहता। अच्छा, हाँ, आप तो सर मशीन बेचते हैं, हम बताएंगे तो लोग एकदम मशीन बेचने वाले लोग हैं, बता रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं ये सर क्या रेट अप डाउन होते रहता है? अभी एक पीस पर 100 रुपये, तो 100 पीस लीजिएगा उसका 22 रुपये कॉस्टिंग है। कितना? 22 रुपये, मतलब 100 रुपये का 22, यही जानना चाहता था। मतलब ये 22 आप यहाँ से बेचते हैं? 22 रुपया। और इसका 100 पीस का उत्पादन पे उसी हिसाब से, हाँ, आप 15% माइनस कॉस्टिंग ऐड रहता है उसका। लेकिन आप सोच सकते हैं 15% मार्जिन, 20 आवर्स ये मशीन चल रहा है, 4000 यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो 15% से ज़रा आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में। तो ये जो 15% मार्जिन बताया सर, सब काट कूट के ना, चूंकि आपकी तो बिजली भी लगती है, सब कुछ। एक मशीन पे एक महिला देखे कि यहाँ पे वर्कर थे? लेडीज़ में तो रात को जेंट्स रहते हैं, दिन में लेडीज़ रहती है। और दो मशीनें हैं आपके पास? हाँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो लेडीज जो उन लोग को कुछ वर्क मिल सके, जेंट्स तो कहीं भी कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती है कहीं भी, और यहाँ कोई टफ काम अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरे यहाँ 12 लेडीज है और 4 जेंट्स वर्कर हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यही बात है कि मित्तल जी क्या करते हैं ना कि नेटवर्क बनाते हैं, ये तो अपना मशीन देते हैं तो एक आदमी को दिया, लेकिन उस एक मशीन के चलते सर कितने लोग जुड़ते हैं, और इसी से व्यापार बढ़ेगा, इसी से हमारा संसार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और यही है उद्यमिता का चमत्कार, कि आप अगर सोचते हैं कि पर्सनली मैं अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं, इनडायरेक्टली इसमें से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। क्या तो दो मशीनें दी हैं आपने? दो मशीन। ये वाला साइज क्या है इसका? 60 ml का साइज है। 60 ml, हाँ। और इसको आपने बताया 50। आइए सर थोड़ा सा देखा जाए, जो 50 ml का है और 60 ml का, मित्तल जी थोड़ा सा आप भी आ जाए, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, आपसे भी समझूंगा, क्योंकि पेपर कप में पेपर प्लेट जैसा नहीं है कि कहीं मशीन में डाई बदल दिया ना, हर साइज के लिए आपको मशीन बदलनी पड़ती है? नहीं होता उसका भी ऑप्शन, एक मशीन में बटम जो रहेगा ना सर, जैसे कि मान लीजिए 46 का बटम है, उस पर आप 50 और 60 चला सकते हैं, ये नहीं कि उसके पास 250 ml का चला सकते हैं ना, इतना कर सकते 50 और 60 चला। आप क्या बोल रहे थे? एक मशीन के अकॉर्डिंग आप दो डाई चेंज कर सकते हैं, जैसे एक मशीन है मेरे पास से 50-60 चला सकते हैं। तो फिर आपने दूसरा क्यों लिया? प्रोडक्शन मेरा रिक्वायरमेंट था, ऑर्डर ज्यादा था, इसीलिए प्रेशर था, हाँ इसीलिए मैंने लिया अभी। यानी कि 50 वाली पे 60 भी चल जाए, चल जाए। हाँ। लेकिन बड़ी वाली अगर करें वो जो ग्लास वाली, तो बटम साइज अलग हो गया ना, बटम साइज अलग हो गया, तो उसे मशीनें चेंज करने में ज्यादा बेटर है। अच्छा सर मित्तल जी, ये तो बता दिए 7.5 lakh में लिया है,
प्राइस तो दो साल पहले की है, अब दर्शक तो पकड़ लेंगे। एक्चुअली क्या है बताते हैं, इसकी स्पीड कम है सर जी, इनसे पूछे स्पीड कितनी है, अगर हम बताएंगे तो अलग। तो क्या चक्कर है सर? इसकी स्पीड कंपनी 70 बोलता है लेकिन 60 चलता है। अच्छा। इसका स्पीड है वो कंपनी 85 बोलता है, ये 70 चलता है। अच्छा। पर मिनट इसकी जो प्राइस हो गया सर जी, ये इसकी जो है 7 लाख रुपए की है और 80 इसकी जो है 8 लाख की प्राइस है सर। यही पे डिफरेंसेस होता है। हाँ। तो कभी कभी लोग समझ लेते हैं कि नहीं नहीं फलानवा ठग रहा है, लेकिन स्पीड मैटर्स करता है। नहीं, बहुत सारे लोग ना कंपनी लोग बोल देते हैं कि एक मशीन से आपका हर साइज का बन जाएगा, ये कभी भी भूल के नहीं जाना। बहुत सारे लोग हम लोग के पास फोन करते हैं कि भैया अगला मशीन दे रहा है मुझे, एक ही मशीन में गिलास का सब बन जाएगा सही है, सब साइज का है। होता क्या ना कि बटन का डाइट नहीं असंभव चीज है, ये नहीं होता है। कभी भी एक बटन में आप एक ही दो साइज आपको बनेगा सर जी, ये नहीं कि अब कप भी बनेगा और गिलास बनेगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। और देखिए यही वाला जो है ये बॉटम बोला जाता है, और ये साइड वाली जो है वॉल हो गई ना। हाँ। ये बस ये दो चीज़ों को जोड़ दीजिए, और यहाँ जो एक कोरी देख रहे हैं ऊपर में, ये गोल बाउंड्री इस टाइप का, वो यहीं पे तैयार हो जाती है। हाँ सर, वहीं पे। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, 2 साल से मशीनें चला रहे हैं लगातार, कोई प्रॉब्लम आई? अप डाउन आते रहते हैं, कभी कभी कोई जो पार्ट्स है वो खराब होते हैं। उसमें तो छोड़िए, डाउन जब होते हैं तो मित्तल जी क्या करते, कुछ हेल्प वेल्प करते हैं? हाँ करते हैं, जैसे कि टेक्निकल वही रहता है। सपोज ये मशीन देते हैं लेकिन जो उसका पार्ट्स खराब हो गया वो कंपनी से मंगाना पड़ता है जी। और मैंने अपना एक वर्कर रखा हुआ है, मतलब जो स्टाफ है वो मैकेनिक जो है मैं परमानेंट रखा हूँ। तो कभी इस तरह की मशीनें अगर खराब हो जाए तो सर वक्त तो लगता होगा इसको सर्विस देने? लगता है, बहुत सारे लोग जैसे जो मशीन चलाएंगे इनके लिए टेक्निकल परमानेंट चाहिए, टेक्निकल हम दे देंगे सर जी, परमानेंट। शुरुआत जब की थी सर तो आपको तो समझ में नहीं आया होगा, तो आया था टेक्नीशियन बता के गया? टेक्नीशियन मेरे पास परमानेंट है यहाँ पे। अच्छा, आइए सर, आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। अच्छा, ये आप हैंडल करते हैं? जी जी। आप अपने से बना लेते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं देखता हूँ। आप ही करता धरता जी जी। अच्छा, यानी कि एक टेक्नीशियन चाहिए इसके लिए? हाँ चाहिए, इसके लिए टेक्नीशियन, बिना टेक्नीशियन के आप नहीं चला सकते, इसलिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। फुली ऑटोमेटिक है पूरा? फुल। अच्छा, इसमें क्या सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल भी आता है? नहीं, फुली ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक ही लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं 2.5 लाख का मशीन है, 3 लाख की मशीन, ऐसा कोई मशीन ही नहीं आता भैया सर, 2.5 लाख में कोई सेमी ऑटोमेटिक ऐसा मशीन ही नहीं आता है, ये फुली ऑटोमेटिक ही मशीन आता है। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे मित्तल जी आपसे पूछता हूँ, मित्तल उद्योग से अगर ये मशीन कोई ले तो इस पे क्या सर्विस वारंटी रहती है आपकी तरफ से? एक साल का रहता है जी जी। और इसमें क्या क्या पार्ट्स खराब होने वाले रहती है आप बताएं, आप तो टेक्नीशियन हैं। नहीं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कत ज़्यादा नहीं आता, मतलब कि चलती है तो मतलब बैरिंग वरिंग खराब होता ही है, होगा ही 100%। आसानी से मिल जाती है? हाँ मिल जाती है, मिल जाती है, और पटना में मिल जाती है, पटना ही में अवेलेबल मिल जाती है। जो भी चीज़ खराब होता है मतलब कि आप मशीन रनिंग है तो खराब तो होगा ही कभी कभी। जी सही बात है। और पेपर कप का भविष्य तो ऐसे भी अब उज्जवल है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कोई आप उस पर बहस नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। अगर ये बिजनेस आप शुरू करें तो आज ऐसा है कि माल कम पड़ जा रहा है, सर का प्रेशर है, आप देख रहे हैं कि एक मशीन से 2 मशीन लेने पड़ जा रहे हैं। तो चाहूँगा कि इस तरह की जो है उद्यमिता से आप भी जुड़ें, और जो भी अच्छा सर कभी कोई वीडियो देख के यहाँ पे आपके थ्रू, नंबर नहीं देता हूँ क्योंकि उससे लोगों को परेशानी होती है, देखिए रियल टाइम बिजनेस मैन है। नंबर देने के बाद क्या होता है कि लाखों लोग वीडियो देखते हैं अपना बिजनेस छोड़ करके, उसी पर लोग ये करते हैं कि अच्छा कैसे कैसे किए जरा सा बताइए, अच्छा कहाँ कहाँ बेचते हैं, अच्छा क्या प्राइस रखे हैं, कैसे हो जाता है कोई, मतलब एक आदमी आधा आधा घंटा कहानी सुनाएगा, इसलिए मजबूरी है आप मित्तल जी से बात करें। हम लोग एक्चुअली लोग बोलते हैं बहुत सारे भीड़ कराने के लिए लोग आते हैं, बरोबर आते हैं, फिर भी हम लोग अच्छा नहीं लगता कि बार बार जाने के बाद सर यहाँ पर इनका एड्रेस दे दें और विजिट करें। सुबह में एक कस्टमर आए हुए थे मित्तल उद्योग से ही मशीन देखने, तो आए देखें गए। बिल्कुल, ये सोचना समझना जरूरी है, कोई बिजनेस करे तो सोच समझ के, दिखलाते नहीं है लेकिन हम लोग रेफरेंस बस व्यवहार की वजह से लोग दिखला देते हैं सब, ना तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति या मशीन अपना दिखाना नहीं चाहेगा जी। डिस्टर्बेंस भी होता है सर, एक यहाँ पे मतलब एक एक मिनट की कीमत है, आप देख लीजिए एक घंटे में 4000 प्रोडक्शन वहाँ पर फैक्ट्री पर हमेशा अवेलेबल मिलेगा, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अगर कोई बात हो तो जरूर विजिट करें, इस तरह की फैक्ट्रियों को विजिट करने से आपको आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बिजनेस को समझने का मौका भी मिलता है। बहरहाल ये पेपर कप का अपडेट था मशीन का, जिससे आप जुड़ करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तकरीबन आपकी 6 मशीनें चल रही हैं पेपर प्लेट की। हाँ भैया, तो सर से पेपर प्लेट मशीन की भी जानकारी लेंगे, इनके उसके बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।